एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 7th यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आज हम रिवाइज करेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, आप लोग देख लीजिएगा। हम इस लेक्चर में इसको केवल रिवाइज करेंगे आज शॉर्ट में, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को शॉर्ट में CVSP कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, किस तरह से हार्ट पंपिंग करता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट साउंड, ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये कैसे रेगुलेट होते हैं। इतनी चीजें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आया है नेम द आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट, मतलब हमें उस आर्टरी का डायग्राम बनाना है और उस आर्टरी को एक्सप्लेन करना है जो ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी और वेन में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टरी काफी बॉडी में डीपली प्रेजेंट होती है और वेन सुपरफिशियली। आर्टरी में वॉल नहीं होते, वेन में वॉल होते हैं। ब्लड का प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है, वेन में कम होता है। आर्टरी की जो वॉल है वो ज्यादा थिक होती है, वेन की जो वॉल है वो कंपेरेटिवली कम थिक होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014, 18, 19 और अभी 20 में भी पूछा गया था। तो कार्डियक साइकिल, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ECG क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन आया है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का डायग्राम हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन इस यूनिट से श्योर शॉट आएगा, ठीक है। डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये क्वेश्चन 2017, 18 और 19 में पूछा गया है। मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स देख के बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 3 इयर्स के पेपर सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, 3 इयर्स के। जब ये हो जाएंगे तो आपका पास होना काफी हद तक इंश्योर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हाइपरटेंशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरटेंशन, ठीक है, इस पे भी आया है। और एक क्वेश्चन आया है आपका कार्डियक साइकिल, तो मैंने आपको बताया है ना। इतने क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं, ठीक है, जिनको आपको विशेष रूप से तैयार करना है, ठीक है। हार्ट हमारी बॉडी की पंपिंग मशीन होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू पंपिंग करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है संकुचन और रिलैक्सेशन मतलब होता है शिथिल होना। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और ये चैम्बर में ब्लड फ्लो होता है। हार्ट का जो राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। हार्ट के जो अपर चैम्बर्स हैं उनके नाम है ऑरिकल, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं उनके नाम है वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल्स 2 होते हैं, वेंट्रिकल्स 2 होते हैं, 2 और 2 4, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। अपर चैम्बर जो होते हैं उनको हम ऑरिकल कहते हैं। तो राइट साइड के ऑरिकल को हम राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड के ऑरिकल को हम लेफ्ट ऑरिकल, ऐसे ही वेंट्रिकल नीचे जो 2 वेंट्रिकल है उसमें लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल हम कहते हैं। हार्ट के राइट राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। हार्ट जब पंपिंग करता है तो बॉडी के हर सेल टिश्यू को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है, ये हार्ट का मेन फंक्शन है। और हार्ट में जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, और ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं। हमारा हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 to 120 mmHg,
इसमें ईटी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और 120 को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर बढ़ता है और वो मैक्सिमम 120 तक जाता है, तो वो आपका अपर प्रेशर जो है वही सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब रिलैक्सेशन की फेज आती है तो प्रेशर डाउन होता है, और वो ही डाउन प्रेशर आपका कहलाता है लोअर प्रेशर, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल पल्स रेट आपका कितना होता है? नॉर्मल पल्स रेट किसी को पता है आपका? 70 to 90, ये नॉर्मल आपका पल्स रेट होता है। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट आपका होता है 72 बीट इन अ मिनट। 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है, और हार्ट की एक धड़कन को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, और कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से हार्ट ब्लड को पुश करता है आर्टरीज में। वेन का काम है पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आना, हार्ट के अपर चैम्बर में छोड़ना, और आर्टरीज का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं, कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरी और वेन्स को कौन कनेक्ट करता है? कैपिलरीज आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही पंपिंग होती है। हार्ट की यदि आपसे कोई एनाटॉमी पूछे तो आप उसमें हार्ट की लेयरिंग के बारे में बताओगे। हार्ट में 3 टाइप्स ऑफ लेयरिंग होती है ना, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम, ये हार्ट की लेयरिंग होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हार्ट के आपको शेप एंड साइज भी पता होना चाहिए। नाशपाती के शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, स्टर्नम में प्रेजेंट रहता है, ओवर्टेबल कॉलम और स्टर्नम के बीच में। स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट रहता है। इसका वेट होता है मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 50 ग्राम कम होता है। फीमेल का हार्ट थोड़ा सा मेल से छोटा होता है। कोन शेप का होता है, पाइन शेप का होता है ना, नीचे से थोड़ा सा इसका शेफ्ट शार्प होता है, जिसको हम अपेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ जो होती है वो 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की होती है, लंबाई चौड़ाई और गहराई। लोकेशन मैंने आपको इसकी बताई, हार्ट की लेयरिंग के बारे में बताया। ठीक है, और हार्ट कैसे कंट्रोल होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली काम करता है उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इससे हमें हार्ट की हेल्थ का पता चलता है। कोई यदि मरीज है जिसको हार्ट से एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका ईसीजी टेस्ट करते हैं। ईसीजी टेस्ट में इलेक्ट्रोड उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे लगाए जाते हैं और रीडिंग को नोट किया जाता है, और एक ग्राफ मशीन तैयार करके रेडी करके हमें देती है, और उस ग्राफ को एनालाइज करके हम PQRST, जो पीक होती है ना, उस वेव को हम एनालाइज करके डॉक्टर पता लगाते हैं कि हार्ट आपका स्वस्थ है या नहीं। स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड को सुन के भी हम हार्ट की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। स्टेथोस्कोप और स्पिग्नोमैनोमीटर, इससे हम बीपी को मेजर करते हैं, तो बीपी में फ्लक्चुएशन भी हार्ट की हेल्थ को बताता है। यदि बीपी आपका फ्लक्चुएट हो रहा है रेस्टिंग कंडीशन में, यदि आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज्यादा है तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब कोई भी फ्लूड पाइप में फ्लो होता है तो वो अपने पाइप की वॉल पर एक प्रेशर डालता है, तो ऐसे ही जब आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है तो उस पर एक प्रेशर डालता है, तो ब्लड के द्वारा आर्टरी पे डाले गए प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। आज के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बहुत से पेशेंट में आपने देखा होगा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके लिए उनको टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन जैसी मेडिसिन खानी पड़ती है, नमक नमक कम खाना पड़ता है। हार्ट के पेशेंट यदि नमक ज्यादा खाएंगे तो उनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम बॉडी में वाटर को रिटेन करता है।
तो हाइपरटेंशन एक हार्ट से एसोसिएटेड ही प्रॉब्लम है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और वहीं पर एक प्रॉब्लम है लो बीपी की जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये हाई बीपी और लो बीपी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लो बीपी में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे 80 होता है डायस्टोलिक तो वो 70 पे आ जाएगा, ठीक है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सीएसएफ का फुल फॉर्म सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईईजी किसका होता है बेटा, ब्रेन का होता है, हार्ट और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करके हम उस ऑर्गन की हेल्थ का पता कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया है तो उसके ब्रेन की वेव्स चेक की जाती है, और यदि किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है तो उसके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। एस ए नोड होता है और एवी नोड होता है हार्ट में। एस ए नोड क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और उसको एवी नोड रिसीव करता है, और इस तरह से हमारे हार्ट में पंपिंग का काम होता है। सी एच एफ एक प्रॉब्लम है जो कि हार्ट से एसोसिएटेड है, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू की जाती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का काम होता है हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सप्लाई करना, और यदि इसकी कमी हो जाती है तो हार्ट में हार्ट को एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से हार्ट में पेन होने लगता है, इसको हम इस्कीमिया भी कहते हैं। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है एक कार्डियक साइकिल, मतलब हार्ट एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लेता है, ठीक है। और कार्डियक साइकिल में आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो टाइप के प्रेशर डेवलप होते हैं, ठीक है। जब जैसे ही हार्ट धड़कता है मतलब संकुचित होता है तो ब्लड को वो पुश करता है, जैसे आपने एक स्पॉन्ज देखा होगा, हम स्पॉन्ज को यदि पानी में डुबाएं है ना और उसको हम दबाएं तो वो पिचक जाएगा, उसमें से सारा पानी निकल जाएगा, और जब हम उसको छोड़ दें वो रिलैक्स होगा तो उसमें फिर से सारा पानी आ जाएगा, फिर हम उसको दबाएंगे। तो इस तरह स्पॉन्ज से आप प्रैक्टिकल करके देखें इस तरह से मतलब हार्ट काम करता है, आप समझ पाओगे, ठीक है। पूंछ आपको पता है ना, पोछा लगाने का जो एक गद्दीदार आता है ना, जैसे आप कॉटन को भी डुबाओगे पानी में तो कॉटन पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आप कॉटन को दबाओगे उसको पिरो दोगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा, तो इसी तरह से हमारा हार्ट भी काम करता है। तो आपको समझ में आया सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, कितने सेकंड का होता है एक कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का, और हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, तो ये 72 बार धड़कता है, ठीक है। टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, यदि हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 टाइम से कम बीट दे तो हम उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और यदि मोर देन 100 टाइम्स धड़कता है तो हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का बढ़ना, ब्रैडीकार्डिया मतलब होता है हार्ट बीट का कम होना, और टोटल पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल कितना है 0.8 सेकेंड, और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक कितना होता है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 80, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 80 to 120 mm ऑफ Hg, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यदि इससे बढ़ जाएगा तो हाई बीपी का प्रॉब्लम होगा, यदि इससे कम होगा तो लो बीपी का प्रॉब्लम होगा। हाई बीपी के क्या रीजन हो सकते हैं, ड्रिंकिंग करना, टोबैको, तंबाकू खाना, गुटखा, पान मसाला और ऑयली फूड खाना, लिपिड को डाइट में ज्यादा कंज्यूम करना, इससे हाइपरटेंशन कॉज होता है, क्योंकि हमारे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, हमारा ब्लड थिक होने लगता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है जो कि हमारी आर्टरी को चोक कर देता है, आर्टरी की जो इनर वॉल है उस पे उसका एक्यूमुलेशन होता है जिससे आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है। तो इस केस में हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी यूज करते हैं, जैसे स्टैटिन्स हुआ, ब्लड थिनर्स यूज करते हैं जैसे एस्पिरिन हुआ, जो दवाइयां हमारे खून को पतला करती हैं। हार्ट से एसोसिएटेड और कौन से प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के वॉल्व कमजोर हो सकते हैं, हार्ट में वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, है ना, ये वॉल्व जब कमजोर हो जाते हैं तो हार्ट की फंक्शनिंग वीक हो जाती है, तो इससे भी हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट में पेन होने लगता है। तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक सबसे ज्यादा कब आते हैं, 1 बजे से 2 बजे के आसपास, क्योंकि इस टाइम पे हार्ट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है,
हार्ट में एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा हाई रहता है नाइट टाइम में, इसलिए ही नाइट टाइम में हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? टोटल ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेजल्स, ये सारे फैक्टर्स हैं। बढ़ती एज के साथ वेजल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रिजिड होने लगती है ना, तो उसमें रिजिडिटी की वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उसमें नॉर्मली थोड़ा सा बीपी हाई ही रहता है। ठीक है, वो उनकी एज की वजह से होता है क्योंकि आर्टरी में रिजिडिटी आ जाती है। पल्स प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को हम शॉर्ट में पीपी भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल पल्स रेट अभी कितना बताया आपको? 90-200 के आसपास रहता है पल्स रेट। ये हमारा वाइटल साइन है। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे डायग्नोसिस के लिए हमारे बॉडी के वाइटल साइंस को चेक करते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारा बॉडी वेट है ना, हमारे हाइट और वेट का एक प्रोपोर्शन होता है एज के हिसाब से, तो वो भी हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। ओवर वेट है यदि तो ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन तो बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, फैट हम लोग ज्यादा लेते हैं डाइट में, क्योंकि फैट क्या है, फूड के एलिगेंस को बढ़ाता है। फैटी फूड बहुत ज्यादा हमें आकर्षित करता है ना। ब्रेड बहुत पसंद होती है रोटी के कंपैरिजन में, और ब्रेड फैट बढ़ाती है हमारी बॉडी में, मैदा भी होता है ब्रेड है ना, तो ये मैदा हुआ, शक्कर हुआ, ये सब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं आगे चल के बढ़ती एज के साथ, तो हमें हमारी डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये हमने पल्स प्रेशर भी समझ लिया क्या होता है, हार्ट की लेयरिंग हमने देख ली, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मिडिल लेयर होती है, पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है और एंडोकार्डियम अंदर वाली लेयर होती है। हार्ट में वॉल्व होते हैं सेमी लूनर वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और ये वॉल्व का काम होता है हार्ट में ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बनाए रखना, ताकि एक ही दिशा में ब्लड फ्लो होता रहे। आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताएगा आप में से कोई? मैं बता चुका हूं कई बार, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है? सर आर्टरी जो है अपना ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो फ्लो होता है उसमें, और वेन्स में डी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो होता है। और आर्टरी का वॉल सर ठीक रहता है, वेन का वॉल जो है बहुत थिन रहता गुड, सही कहा है। आपने। देन सर आर्टरी सेंड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम सेंड ब्लड फ्रॉम टू हार्ट बॉडी। हाँ टू बॉडी एंड टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, वेन्स टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। वेरी गुड। है ना, सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे बॉडी में जो आर्टरी वेन्स में ब्लड सर्कुलेट होता है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है जब हमारा वेंट्रिकल पंप करता है, तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? हमारे लंग्स को। तो लंग्स को जो ब्लड की सप्लाई होती है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट को न्यूट्रिशन देना, और यदि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस नाम का डिजीज होता है, जिसमें हार्ट में रेडिएटिंग पेन जनरेट होता है। पोर्टर सर्कुलेशन क्या होता है? मतलब लिवर को जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उसको हम पोर्टर सर्कुलेशन कहते हैं। और सेरिब्रल सर्कुलेशन क्या होता है? ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई होती है हम उसको सेरिब्रल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, देखो नीचे वाले जब वेंट्रिकल पंप होते हैं तो एक वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है और दूसरे वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड की सप्लाई हो जाती है। ठीक है, लंग्स में ब्लड जाएगा, लंग्स में यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होगा और फिर यहाँ पर उसको
वापस ला दिया जाएगा, और जब वो यहां से यहां आएगा और फिर ये जब पंप करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। ठीक है, देखो ये और ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो एक साथ संकुचित होंगे, और नीचे वाले जो निलय है ना वेंट्रिकल्स, ये एक साथ संकुचित होते हैं। तो जब ये ऊपर वाले दोनों एक साथ संकुचित होंगे तो यहां से यहां ब्लड आ जाएगा और यहां से यहां ब्लड आ जाएगा। अब जब ये दोनों संकुचित होंगे तो इससे पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा, है ना, और ये इससे ब्लड चला जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स में यहाँ पर ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ब्लड में जो CO2 है उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से इस चैम्बर में लाया जाएगा, ये वाले चैम्बर में, और ये वाले चैम्बर से फिर जब नीचे ब्लड आएगा तो यहाँ से इस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और ब्लड हमारी बॉडी में, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड से ही हमारी बॉडी में हर सेल टिश्यू को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है। यदि ऐसा ना हो तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है ना, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम करे। ह्यूमन बींग्स में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और किसी में चैम्बर भी तीन होते हैं, किसी में दो होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में चार चैम्बर होते हैं हार्ट में। तो हार्ट का डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हार्ट की फिजियोलॉजी को बताता है। एसल नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमारे ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है यहाँ पर, और एसल नोड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और एसल नोड एवी नोड से कनेक्टेड होते हैं हमारे बंडल ऑफ हीज और पुर्किंजे फाइबर्स, और ये जहां पर भी टच करते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और हार्ट ब्लड को पुश करता है पूरी बॉडी में और सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, और इसको हम इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के को किसने एक्सप्लेन किया था, विलियम हार्वे, इस साइंटिस्ट ने सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। हार्ट के राइट साइड में प्योर ब्लड बहता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है या डीऑक्सीजनेटेड, बताओ। हार्ट के राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 का लेवल ज्यादा होता है और ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेसल्स में बहता है, ये आर्टरी में बहता है, और वेन्स में कौन सा बहता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के नाम बताओ। चेस्ट पेन हो सकता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाई बीपी हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, तो ये सब हार्ट की बीमारियां होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन का रीजन क्या है बताओ, हाइपरटेंशन का रीजन। हाई बीपी का कारण क्या होता है? सर स्ट्रेस से भी होता है, और हाँ, जो अपना अल्कोहल ये सब लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। हाँ ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा, हार्ट जब पंपिंग करता है, हार्ट में जब वेंट्रिकल्स का संकुचन होता है तो हार्ट ब्लड को पुश करता है, तो जब हार्ट एक बार धड़कता है तो वो 70 ml ब्लड को धक्का देता है। ठीक है, एक बार हार्ट धड़केगा तो वो 70 ml ब्लड को धक्का देगा, पुश करेगा, तो 1 मिनट में कितना ब्लड मतलब पुश कर देगा, पंप कर देगा, तो 70 × 72 कर देंगे हम तो 5 लीटर आ जाएगा, और ये जो 5 लीटर आया है इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। मतलब 1 मिनट में हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है, सोचो हार्ट कितना पावरफुल पंपिंग मशीन है। यदि 1 मिनट में इतना करता है तो 1 घंटे में कितना करता होगा, 1 दिन में कितना करता होगा, और यदि कोई 70 साल जीता है ऑन एन एवरेज तो हार्ट कितना ब्लड पंप करता होगा। हमारी बॉडी के पूरे ब्लड को हार्ट 1 मिनट में ही घुमा देता है, तो हार्ट इतना पावरफुल पंपिंग मशीन है।
इससे ज्यादा पावरफुल पंपिंग मशीन आपने कभी देखी है? और हार्ट नॉन स्टॉप काम करता है क्या? जब आप सोते हो तब हार्ट काम नहीं करता? कौन कहता है कि आपका दिल कमजोर है? आपका दिल बिल्कुल कमजोर नहीं है। न जाने क्यों लोग प्यार में हमेशा दिल तोड़ बैठते हैं, दिल टूटने वाली चीज ही नहीं होती है। बताओ, हार्ट से ज्यादा पंपिंग पावरफुल पंपिंग मशीन देखी है आपने? ऐसी मोटर इंसान ने बहुत सारी मोटरें बनाई है अलग अलग हॉर्स पावर की, लेकिन हार्ट जैसी मशीन तो नहीं बना पाया आज तक, है ना? तो हार्ट ऊपर वाले ने बनाई वाली मशीन है, तो इसको कम मत समझना ठीक है। ऊपर वाला जो भी काम करता है बड़ा शानदार करता है, उसके जैसा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, है ना? ऊपर वाला हमें खाने पीने के लिए क्या देता है? उसने हमको आलू दिया, हमने उससे चिप्स बना लिए। तो ये इंसान के कारनामे हैं, इंसान की कारीगरी देखो। भगवान ने हमको दिया था आलू, है ना? हमने बीज बोया तो आलू होता है, या हमने बीज बोया तो उससे प्लांट से हमें फल मिलते हैं, और फल की प्रोसेसिंग करता है इंसान, और प्रोसेसिंग में पूरा कबाड़ा कर देता है ना? भगवान ने हमें दिया गन्ने का रस, और हमने उससे बनाई शक्कर, और शक्कर में हमने इतने केमिकल डाले कि इंसान बीमार पड़ जाता है। ज्यादा शक्कर खाने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है बेटा, खून गाढ़ा हो जाता है। अब आप बोलोगे खून गाढ़ा कैसे हो गया सर? आप मुझे बताओ, ज्यादा शुगर खाओगे है ना, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या नहीं? और ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी या नहीं? और ब्लड की यदि विस्कोसिटी बढ़ेगी तो खून गाढ़ा होगा या नहीं? और यदि खून गाढ़ा होगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा या नहीं? हार्ट पे जबरदस्त लोड पड़ेगा, और इस लोड की वजह से हार्ट पसर जाएगा, हार्ट बीमार पड़ जाएगा। हार्ट बोलेगा क्या है ये, मेरे को तुम पानी पंप करने का कहते तो वहां तक ठीक था, तुमने तो मेरे को बोल दिया शहद को पंप करो, विस्कोसिटी इतनी बढ़ गई मैं कहाँ से काम करूं, है ना? तो फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, अचानक एक सुबह चेस्ट में पेन होता है और व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। तो अपने हार्ट की केयर किया करो बेटा, है ना? हर कहीं दिल मत दिया करो और न लगाया करो, दिल को अपना काम ही करने दिया करो, है ना? तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपको समझ में आया क्या होता है? कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में हार्ट हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और एक पुश में, एक धक्का लगाया हार्ट, एक झटका मारे तो उसमें 70 ml धकाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ब्लड वेसल्स तो आपको पता ही है, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी वेन्स को कौन कनेक्ट करता है? कैपिलरीज। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी आपको पता है ना? हार्ट से एसोसिएटेड बीमारी भी आपको पता चल गई है क्या क्या होती है, बताओ आप में से कोई? दिल की बीमारी के नाम बताओ। बीपी, हार्ट अटैक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? हार्ट फिलियरिंग के नाम बताओ। हार्ट फिलियरिंग के नाम बताओ। ऐसा कहते हैं ना कि भाई आदमी का दिल औरत से बड़ा होता है, सही है कि नहीं है बात? क्यों बेटा है ना, 50 ग्राम छोटा होता है, ठीक है, और दिमाग भी छोटा होता है।
चलो ठीक है बेटा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कल रिवाइज करके आना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? आपका ओरल टेस्ट लूंगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आप रिवाइज करोगे, है ना? और मैं आपसे इसका अभी लिंक शेयर करूंगा, तो आप देख के नोट्स बना लेंगे, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये आपको पढ़ना है। आर्टरी वेन्स में डिफरेंस, आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, हार्ट किस तरह से काम करता है, हार्ट के आपको लेयरिंग के नाम पता होना चाहिए, ठीक है? हार्ट के पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए। वॉल्व होते हैं हार्ट में, है ना? चार चैम्बर होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल्स, और ये जो चैम्बर है इसको कौन डिवाइड करता है? सेप्टा। जो वॉल प्रेजेंट रहती है, जो चार चैम्बर का फॉर्मेशन करती है, उसको हम सेप्टा बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है? और ये जो चार चैम्बर एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं? वॉल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो ये सब आप पढ़ के आओगे। हार्ट से एसोसिएटेड डिजीजेस के नाम होना आपको पता होना चाहिए, उसके रीजन क्या होते हैं, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है? तो कल मैं आपसे ओरल टेस्ट लूंगा। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। एक मिनट, है ना? एक मिनट, जी सर। पढ़ाई में मन लग रहा है बेटा आप लोगों का? पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ मन नहीं लग रहा हो तो दिल लगा लो। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, है ना? बाय।